मित्रों, इस भागदौड़ भरे जीवन में हम अपने लाइफ में इतने व्यस्त है कि हम अपने शरीर को ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। अगर बात करें भौतिक चीजों की, जैसे घर, गाड़ियां और वे सभी जरूरत की चीजें जो हमारे पास है, हम उस पर ध्यान देते हैं। जैसे कि इंसान अपनी गाड़ी की सर्विस कराना नहीं छोड़ता, अपने घर संसार की साफ सफाई करना नहीं छोड़ता, यहां तक कि अपने कमीज और अपने जूते इसको भी साफ करना नहीं छोड़ता, क्योंकि इससे हम भौतिक रूप से इस दुनिया में अच्छे दिखेंगे। और यही बाहरी रूप से अच्छे दिखने के लिए हम सभी चीजों की सफाई तो करते ही है, लेकिन क्या हम अपने शरीर की सफाई करते हैं? अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि हम दिन प्रतिदिन रोज नहाते तो है, शरीर में जितने भी धूल है उसे साफ तो करते ही है, तो फिर गंदगी रही कहाँ? तो यहाँ जरा समझिए, मैं शरीर के बाहर की सफाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भीतर की सफाई की बात कर रहा हूँ। ऋषि मुनि लोग भी आयुर्वेद में कहे हैं कि 99% बीमारियां हमारे भीतर से ही आती है, हमारे पेट से आती है। इसे थोड़ा विस्तार से समझिए कि हमारे पेट से ही बीमारियां पैदा कैसे होती है, क्योंकि अगर इसको आपने समझ लिया तब आप ये भी समझ जाएंगे कि हम अपने शरीर को डिटॉक्स कैसे करें, अपने पेट की सफाई कैसे करें, अपने भीतर की सफाई कैसे करें। इस संसार में आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो ज्यादातर अपनी बीमारियों के कारण दुखी रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि वे अपनी बीमारियों को दिखाते नहीं है, वे डॉक्टर के पास जाते हैं, वेदों के पास भी जाते हैं, और सारा जीवन उन्हें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। और दवाइयों से कुछ बीमारियां तो कुछ समय के लिए आराम हो जाती है, लेकिन फिर जैसे ही दवाइयों की सेवन बंद करते हैं तो वही बीमारी दूसरी रूप ले लेती है और कहीं ना कहीं हमारे शरीर को प्रभाव करती है। हमारे परिवार में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो किसी न किसी तरह की बीमारियों से परेशान है, जैसे किसी के हाथ में दर्द होता है, किसी के घुटनों में दर्द होता है, किसी के पेट में जलन होता है, किसी को डायबिटीज है, या किसी को लीवर या पथरी की बीमारी है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरह इस संसार में एक बीज से एक पेड़ का निर्माण होता है, ठीक उसी तरह हमारे पेट में जमी गंदगी से ही हमारी सारी बीमारियों का जन्म होता है। अब आते हैं खान पान में, तो ये तो सभी जानते होंगे कि अगर हम हल्का भोजन करते हैं, हल्का खाना खाते हैं, तो वे हमारे शरीर में बहुत जल्दी पच जाता है। जैसे फलों या कच्ची सब्जियों को पचने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं। वहीं पर अगर हम अनाज की बात करें, जैसे गेहूं, दाल या फिर कोई अनाज, इसे पचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पर मांस और मछलियों की या नॉनवेज आइटम्स की, तो इसको पचने में लगभग 14 से 20 घंटे लगते हैं। अब जो कुछ भी भोजन हम खाते हैं वे गंदगी के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है। इसे जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर इसको आपने समझ लिया, अपने भीतर के फंक्शन को समझ लिया, तब आप ये भी समझ जाएंगे कि अपने भीतर की सफाई कैसे करनी है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप जूते पहनकर बाहर की ओर गए, जैसे ही आपने कीचड़ में लात रखा तो आपके जूते के निचले वाले हिस्से में कीचड़ और कुछ कंकड़ फंस जाते हैं। आप घर आते हैं, फिर आप जूतों की सफाई कर देते हैं, लेकिन जूते के निचले हिस्से में जहां पर ग्रुप बना होता है वहां पर कंकड़ या पत्थर कुछ फंसा ही रहता है, कुछ गंदगी फंसी ही रहती है, ये पूरी तरह से साफ नहीं होता। हाँ, ये बात सच है कि आपका जूता साफ दिख रहा है, लेकिन अगर आप अपने जूते को पलट कर देखेंगे तब आपको दिखेगा कि आपके जूते के निचले हिस्सों के बीच कुछ गंदगी, कुछ कंकड़ फंसे हैं। फिर आपको उसी गंदगी को साफ करने के लिए जूतों में कुछ प्रेशर देने होते हैं या अपने जूते को पटक कर साफ करना होता है। उसके बाद फिर पानी डालने से आपके जूते भीतर से बिल्कुल साफ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जूते के भीतर की गंदगी को नहीं निकालेंगे तब वही गंदगी आपके जूते के ग्रूव में बहुत दिनों तक फंसे रह जाते हैं। आप बार बार अपने जूते को बाहर से साफ तो करते हैं, लेकिन भीतर की गंदगी वहीं के वहीं रह जाती है। ठीक उसी तरह हम जो खाना खाते हैं तो पहले वह खाना हमारे मुंह में आता है, हम अपने मुख में उसे चबाते हैं, फिर वह खाना हमारे पेट में पहुंचता है जहां पर हमारा इंटेस्टाइन उस खाना का रस लेती है। उस खाना में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारा इंटेस्टाइन खींच लेता है। उसके बाद उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है जहां से वह अपने रास्ते से बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया
कि हर तरह के खाना को पचने में अलग अलग समय लगता है, लेकिन हम अपने जीवन में कुछ इस तरह के खाना खा लेते हैं कि उसे पचने में समय लगता है और हमारा इंटेस्टाइन उस खाने से कुछ जरूरी पोषक तत्वों को जब खींच ले उससे पहले हम दोबारा से खाना खा लेते हैं। अब यहाँ जरा समझिए, हमारे पेट में पहले से ही खाना मौजूद है जो कि अभी तक पचा नहीं है और हम फिर दोबारा से खाना खा लिए कुछ समय के बाद, तो अब क्या होता है कि हम जो ताजा खाना खाएं वह दोबारा से हमारे भीतर के खाने को प्रेशर डालकर नीचे करता है, क्योंकि हमारा ताजा खाना भी उसी रास्ते में जो कि पहले का खाना गया उसी रास्ते में जाएगा और इसका परिणाम यह होता है कि हमारे पेट के भीतर पहले का खाना बिना डाइजेस्ट हुए पूरी तरह से आगे बढ़ जाता है जो कि पीछे छोड़ देती है बैक्टीरियो का भंडार, और यही बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन की, हमारे पेट की, हमारे स्टोमेक की जो इंटरनल लेयर होती है वहां पर चिपक जाती है, जिस तरह जूते के ग्रूव में कचरा फंस जाता है। अब क्या होता है कि जब हम ताजा खाना खाते हैं तो उस खाने से जो पोषक तत्व हमारे इंटेस्टाइन खींचती है उसके साथ ही साथ पहले की मौजूद बैक्टीरिया भी उसके साथ चले जाती है, जो खूनों के माध्यम से हमारे शरीर के सभी अंगों को जाती है, जो कि हमारे भीतर अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा करती है। जैसे यह अगर लीवर में पहुंचेगा तो वहां पर पथरी बनाने के चांसेस होंगे, अगर यह हमारे दिल में पहुंचेगा तो दिल के दौरा पड़ने का खतरा होगा, अगर यह हमारे दिमाग में पहुंचेगा, हमारे मस्तिष्क में पहुंचेगा तो दिमाग की बीमारी पैदा कर देगी, यानी कि जहां भी यह पहुंचेगा कुछ ना कुछ बीमारियां जरूर पैदा करती है। इसी कारण से समय समय पर हमें अपने पेट की सफाई करते रहना चाहिए, अपने बॉडी को डिटॉक्स करते रहना चाहिए। अपने शरीर को डिटॉक्स करने के कुछ तरीके हैं जिसको अगर आपने अपने जीवन में इस्तेमाल कर लिया तो आप भी बहुत से गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। बात करें आयुर्वेद की तो सबसे पहला कदम है योग और प्राणायाम। प्राचीन भारतीय योग और प्राणायाम के अभ्यास से शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। जब हम योग प्राणायाम करते हैं उस वक्त हम भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन अपने भीतर लेते हैं और अंदर की विषैली गैस अपने भीतर से बाहर की ओर छोड़ते हैं, जो कि हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है। दूसरा है आहार का पालन करें, स्वस्थ आहार, सात्विक आहार, जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज, ये सभी चीजों का सेवन करें जो कि हमारे शरीर में जल्दी पच जाते हैं, इससे हमारे शरीर की शुद्धि हो सकती है। नंबर 3, योग और व्यायाम। नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करने से पसीना आने और रिसर्कुलेशन बढ़ने के कारण विषैले पदार्थ बाहर निकल सकते हैं। अगर बात करें बुद्ध के जीवन की तो वे अपने जीवन में अपने शिष्यों के साथ इतने चलते थे जिसके वजह से उनका शरीर हमेशा डिटॉक्सिफाई होता था। वहां से सीख मिलती है हमें व्यायाम करने की। दिन में कुछ भी ऐसे व्यायाम करो जिससे कि आपका पसीना निकले, क्योंकि पसीने के माध्यम से हमारे भीतर के विषैले पदार्थ भी बाहर निकलते हैं। नंबर 4, पर्याप्त नींद। बुद्ध कहते हैं कि एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त नींद भी आवश्यक है। योग्य आराम से आपके शरीर का पुनः निर्माण और डिटॉक्सिफिकेशन सही तरीके से हो सकता है। नंबर 5, तनाव को कम करें। बुद्ध कहते हैं अगर हमारा जीवन है तो हमारे जीवन में दुख भी है, और अगर दुख है तो इनके कारण भी है, और अगर इनके कारण है तो इनका समाधान भी है जो कि हमारे भीतर है। सभी दुख हमारे भीतर में ही पैदा होते हैं, हमारा मन ही पैदा करता है। हमारी चिंता, परेशानियां, तनाव, ये सभी चीजें हमारा मन हमारे जीवन में पैदा करते हैं। इसीलिए ध्यान, प्राणायाम या योग की मदद से तनाव को कम करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप इन प्रक्रियाओं को करेंगे तब आप अपने मन को समझेंगे, और मन से संबंध है हमारा शरीर, और हमारे शरीर से संबंध है बीमारियां। अगर हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ध्यान, प्राणायाम और योग हमारे शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया पर असर डाल सकता है। अब यहां पर जानते हैं कि आखिर शरीर को डिटॉक्स करने से, शरीर की भीतर की सफाई करने से हमारे जीवन में क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसे जरा ठीक से समझिए। पहला है ऊर्जा बढ़ती है। अपने शरीर से अवशिष्ट विषैले पदार्थों को बाहर निकालने से शरीर में नई ऊर्जा का स्तर बढ़ता है।
जिससे आपका महसूस करने में बेहतर लगता है। दूसरा, पाचन सुधार। डिटॉक्सिफिकेशन से आपके पाचन प्रणाली में सुधार हो सकता है, जिससे आपके खाने को पचाने में मदद मिलती है। जब आपके पाचन में सुधार होगा तब आपके त्वचा में भी सुधार होंगे, आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार दिखती है। तीसरा है, मानसिक तनाव कम होता है। डिटॉक्सिफिकेशन से मानसिक शांति और तनाव कम हो सकता है, क्योंकि आपके शरीर में संतुलन और स्वास्थ्य में सुधार होता है। चौथा है, इम्यून सिस्टम मजबूत हो सकता है। विषैले पदार्थों को निकालने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो सकता है, जिससे आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है। इसके साथ ही साथ आप अपने वेट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। इसे करने के लिए आप जापान के लोगों के तरीकों को अपनाएं। वे लोग ये करते हैं कि जब भी वो अपने घर के आसपास की जगहों पर जाते हैं तो वह साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं होते हैं कि वह व्यायाम कर पाए। इसीलिए वे लोग साइकिलों का ज्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे हमारा शरीर लगातार डिटॉक्सिफाई होता है। साइकिल चलाने से हमारे शरीर में लगातार पसीने आते हैं, जो कि हमारे भीतर के विषैले पदार्थ को निकालते रहते हैं। इसलिए अगर आपको भी अपने जीवन में समय ना मिले, अगर आप भी व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, तो जापान के लोगों के इन तरीकों को अपना सकते हैं, जिससे कि आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपका वजन भी ठीक रहेगा और आपके भीतर एक अजीब सी फुर्ती रहेगी। कोई भी काम करने में आपको आलस नहीं आएगा। नंबर 5, पुनर्निर्माण। डिटॉक्सिफिकेशन से शरीर का पुनर्निर्माण होता है, जिससे स्वस्थ शरीर की निर्माण क्षमता में सुधार हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लाभ है जो हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये लाभ तभी होंगे जब हम अपने शरीर को भीतर से समझेंगे और भीतर से सफाई करेंगे। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए हमें अपने आहार और आदतों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत और शरीर की स्थिति हमारे आदतों पर निर्भर करती है, और एक स्वस्थ शरीर हमारे जीवन को स्वस्थ और सफल बनाता है। मित्रों, वीडियो कैसे लगी है कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आसानी से पा सके। धन्यवाद।